नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों ऐसा करता हूँ, आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। आप सभी जानते हैं व्यक्ति के अंदर सांस का आना जाना, ये सांस ही व्यक्ति का जीवन है। जब तक ये सांस चलती है तब तक व्यक्ति जीवित है, और जहां ये सांस बंद होती है उसी समय व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो सांस है ये प्रकृति में से जो वायु है उसको खींच के और आपके शरीर में अंदर डालती है, और शरीर के अंदर की जो दूषित वायु है उसको ये बाहर निकालती है। ये जो ऋषि मुनि है, या आप ये इसको कहते हैं ऋषि मुनि, अपनी सांस के द्वारा, योगा के द्वारा अपने अंदर बहुत सारी शक्तियों का संचार कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी सांस के ऊपर कंसंट्रेशन रखेंगे तो आप जो चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं अपनी सांस के द्वारा, क्योंकि जो कुछ भी है वो प्रकृति में है और प्रकृति के अंदर निरंतर वायु का संचार हो रहा है, और उस वायु में वो सारी चीजें हैं जो विचरण कर रही हैं। तो मंत्रों के द्वारा अपनी सांस पर कंसंट्रेशन करके ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी शक्तियां अर्जित की हुई हैं। आज भी लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या अपनी मनचाही इच्छाएं पूरी करने के लिए सांस के प्रयोग से वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको एक वशीकरण का, या आप जिसे चाहें उस व्यक्ति को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी बैठा हो, उसको अपने पास अपनी सांस के द्वारा खींच के ला सकते हैं। उसके लिए ना आपको किसी मंत्र की जरूरत है ना ही किसी पूजा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन, अगर मेरी चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर दोस्तों में अवश्य करें। किसी और के भी काम लगेगी, उसका भला होगा तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, किसी भी अच्छे दिन, या फिर आपको आप नहीं रुक पा रहे हैं, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ऐसे दिन में आप कर लें, या पूनम, अमावस्या, ऐसा कोई भी दिन पसंद कर लें। और अगर आपको इमरजेंसी है तो आप इस क्रिया को किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो निरंतर 2 या 3 दिन तक निरंतर भी कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट अर्जेंट चाहिए तो आपका जो भी है, जिसे भी आप चाहते हैं, जिसे भी पसंद करते हैं, वो दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो महिला है या पुरुष है या किसी भी रिलेशन का व्यक्ति है, आप उसके लिए एक जगह नहा धो के स्वच्छ हो, क्योंकि ये क्रिया सात्विक है, इसलिए आपको स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। नहा धो के स्वच्छ हो और स्वच्छ स्थान पर एकांत में बैठ जाए, जहां आपके ध्यान को कोई भंग ना करे, और आपको जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, या शादीशुदा है, पति है या पत्नी है, वो एक दूसरे से रुष्ट रहते हैं और उनको आप अपने में खींचना चाहते हैं, तो आप अपनी सांस के द्वारा खींच के ला सकते हैं। उस व्यक्ति का आपको एक बार नाम बोलना है, नाम बोल के, और आपको
अपनी पूरी ताकत से धीमे धीमे जितनी कैपेसिटी है आपकी उतनी देर तक सांस को अपने अंदर खींचना है। उस समय आपके दिमाग में या आपके विचारों में या आपके भावों में ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति है सामने और आप उसे अपनी सांस के द्वारा अपने अंदर खींच रहे हैं। फिर से आपको वो नाम बोलना है और उसके बाद फिर से आपको सांस अंदर खींचनी है और सांस को छोड़ देना है। मैंने वीडियो पहले भी बताया है आपको कि सांस प्रकृति में से बहुत सारी चीजें जो विचरण कर रही हैं उनमें से आप किसी एक चीज को खींच रहे हैं, तो वो आपके लिए इस समय सबसे अहम वो नाम है जिसको आप अपनाना चाहते हैं। उस व्यक्ति को आप अपने अंदर खींच रहे हैं, ये आपके ध्यान में होना चाहिए और आप नाम लें और सांस अंदर खींचें। ऐसा आपको सिर्फ 7 बार करना है, नाम बोलना है और सांस को अंदर खींचना है, उसके बाद सांस को बाहर छोड़ देना है। जो बाहर आप छोड़ रहे हैं वो गंदी सांस है, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं। बस 7 बार नाम बोलें, 7 बार सांस को अंदर खींचें, बस। और आपको कुछ नहीं करना है, ना पूजा करना है, ना अगरबत्ती लगानी, ना दिया लगाना, कुछ नहीं करना। वो व्यक्ति उसी समय से आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचने लग जाएगा। उसका दिलो दिमाग, उसकी भावनाएं, उसका अंतर, इवन उसका पूरा शरीर जैसे कोई चुंबक खींच के ला रही है, इस तरह से आपकी तरफ खींचा चला आएगा और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपका होके रहेगा। चाहे वो महिला हो या पुरुष, ये क्रिया महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना है और ये क्रिया करते समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। चाहे आप इसको दिन में कर लें या फिर आप रात में कर लें, लेकिन ये क्रिया करते समय ये क्रिया खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, बस। और अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए या आपके बीच में कोई बहुत बड़ी बाधाएं हैं तो आप इसको कंटिन्यू लगातार 3 दिन कर लें, लेकिन तीनों दिन अगर आप करना चाहते हैं तो एक ही समय पर करना है, बस। आपका प्रिय हमेशा के लिए आपका हो जाएगा और कभी आपसे दूर जाने की सोचेगा नहीं। करते रहिए दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। समझने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार।